स्पेशल अपने हस्बैंड के लिए, बट वो नहीं खा रहा है क्योंकि लालच बुरी बोला है, बट मैंने लालच करके थोड़ा सा ज्यादा मेरे को कह रहे गिरेगी ना तो तेरे को और मारूंगा। अब जब यार मेरे को तो लग रहा कहीं कड़वा ना कर दिया हो मैंने। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ना मैं पहली बार बना रही हूँ चिकन, पहली बार नहीं बना रही। लोग बोलेंगे वीडियो के स्टार्टिंग में झूठ बोल रही है, तो पहली बार नहीं बना रही, पर जिसके लिए मैं बना रही हूँ ना उसके लिए मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। सो उनका रिएक्शन देखेंगे कि कैसा होता है। तो अभी मैंने यहाँ पे प्याज कद्दूकस कर दिया, मैं एक्चुअली करी रही थी, अभी करा नहीं है, थोड़ा सा ये मोटा मोटा नहीं हुआ है, नीचे गिर गया। एंड हमें धीरे धीरे बोलना है क्योंकि गुन्नू सो रखी है, गुन्नू उठ जाएगी तो कुछ नहीं होने वाला है। कुछ काम करो, गंदगी पहली हो जाती है मेरे से। तो जब तक मैं वो कद्दूकस करूँगी ना टमाटर, मैं तब तक तेल वो कर देती हूँ, तेल डाल देती हूँ, दैट्स इट। मेरी ना मिक्सी ख़राब हो गई इसलिए मैं कद्दूकस करूँ, नहीं तो मैं मिक्सी में ही ग्राइंड करती। ठीक है, प्याज तो ये हो गया है, थोड़ा मोटा मोटा भी रह गया पर कोई बात नहीं। तो सबसे पहले खड़े मसाला डाल दी, इसमें सब कुछ है, इसमें तेज पत्ते बहुत सारे आए थे सी, मैंने यहाँ पे निकाल के रखे। प्याज के सिक्कल को अवॉइड करना, ये पीछे वाले देखो, इनको मैं बाकी चीज़ों में यूज़ कर लूँगी, इतने सारे क्यों दे रखे भाई। ये हो गए, अब मैं प्याज डाल दूँगी, प्याज भी ना मैं सारा नहीं डालने वाली हूँ। अब जब तक ये भून रहा है, हम ये टमाटर को कर लेते हैं कद्दूकस, दो टमाटर को करने वाले। इंस्टाग्राम के ना गाने ऐसे चल जाते दिमाग में। मिक्सी ख़राब होने के नुकसान, मैंने ठीक करने दे रखी है एक्चुअल में, आज आनी थी बट आज आई नहीं, कल आ जाएगी आई थी, अब कब देगा पता नहीं। तो यहाँ पे मैंने प्याज थोड़ा सा जला दिया है, पर ठीक है कोई बात नहीं, ज़्यादा नहीं जला है, आई होप कड़वा ना हो। ये वीडियो बनाने के चक्कर में ना हमेशा ऐसे होता है, कल मैंने गोभी का पकौड़ा भी जला दिया था, एक जला था लेकिन ज़्यादा नहीं। तो ये अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाल दिया, अभी डाली टमाटर जो मैंने करे थे डाल दो। जब तक टमाटर भुन रहा था, टमाटर प्याज ऐसे से मैंने चिकन धो दिया है यहाँ पे, और ये आधे किलो से थोड़ा सा ज़्यादा होगा चिकन आई गेस, हाँ इतना इनफ है, आई थिंक थोड़ा ज़्यादा ही होगा, बट लालच बुरी बोला है, बट मैंने लालच करके थोड़ा सा ज़्यादा धो दिया। एनीवेज, तो अब इसको जल्दी से हम पहले मसाले डाल देते हैं, तो टमाटर भी मैं जलाऊंगी वीडियो के चक्कर में। एंड सब चीज़ हमें जल्दी जल्दी करना है क्योंकि गुन्नू सो रही है, गुन्नू को मैंने सुला रखा उसके उठने से पहले, नहीं तो वो लाइट पर आती है, खेलेगी वैसे उठ के हो, बट लाइट पे आती तो गिरने का डर रहता है, लाइट का भी और उसका भी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लगभग गई लाइट क्योंकि भारी है। एनीवेज जल्दी मसाले डाल दे। तो अब इसमें मसाले जाएंगे, कटोरी में निकाल लेती हूँ। लाल मिर्च मैं नहीं डालने वाली, लाल मिर्च की जगह मैं डालने वाली हूँ ये थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, गर्म मसालों का ही तीखापन आ जाएगा, उससे काफ़ी आ जाता है। हल्दी कह रही सॉरी, धनिया, नमक, हल्दी, मीट मसाला और चिकन मसाला दोनों ही है, एक पैकेट में डाल दूँ पांच वाला, थोड़ा सा पानी, इसको फेंटूँगी चम्मच से अच्छे से, धीरे धीरे चलना, जल्दी जल्दी चलना। अब डाल देंगे जो हमने बनाया था, मिक्सिंग उसको अच्छे से भूनेंगे हम, जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता और क्या बोलते हैं भून नहीं जाते मसाले अच्छे से। कलर देखो कितना अच्छा आ रहा था, ऑयल सेपरेट होने लग गया है इसमें। तो मसाला अच्छे से भुन गया है, बहुत मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा भुना है तो आपको नीचे जल जला लग रहा होगा,
ये प्याज जला था उसकी वजह से हुआ था। चिकन जाओ अंदर, अंदर जाओ। अच्छे से मसाले को कोट करेंगे इसमें। थोड़ा सा ये मीट मसाला है MDH वाला, ये मैं डाल दूंगी ऊपर से। बस इसको ना ढक्कन बंद कर देंगे लो फ्लेम में 10 से 15 मिनट, और जब तक चिकन ना पानी नहीं छोड़ देता अच्छे से तब तक मैं इसको खड़कूँगी और भूनूंगी। यहाँ पे गुन्नू भी उठ गई है, एंड आज मैंने कारपेट वगैरह धोया था तो नीचे कुछ नहीं बिछा हुआ। लो इधर दो, ये तो मिर्ची लगेगी इससे आपको। मैं 10 मिनट और सोती ना मेरा काम हो जाता, पर गुन्नू को सोना मंजूर नहीं था। गुन्नू ने कहा मम्मी को परेशान करेंगे। ये रहा चिकन, अब रख देंगे ढक्कन। तो अभी देखते कितना पानी छोड़ दिया है चिकन ने, भुन भी गया अच्छे से काफ़ी। 15 मिनट हो गए इसको मैंने रखा था, और तो मैं इसमें पानी डाल दूँगी एंड सीटी लगाऊंगी। 2 सीटी में कुक हो जाएगा, 2 से ज़्यादा नहीं लगाऊंगी क्योंकि अभी भी काफ़ी ज़्यादा कुक हो गया है, तो 2 सीटी में अच्छे से हो जाएगा सी। तो अभी तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। पानी डालते हैं इसमें, ज़रा पानी भी कम डालूंगी मैं, ज़्यादा नहीं डालने वाली हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा तरी नहीं चाहिए। आप लोगों को जितनी तरी चाहिए उस हिसाब से बनाना। मैं बोलूँगी मिक्सी में, तो मिक्सी में पीसना स्वाद ना बहुत बढ़ जाता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है मिक्सी में पीसे हुए से ज़्यादा स्वाद आता है। ओनली ऑन चिकन में अगर चटनी वगैरह कुछ बना लेना तो सिर्फ बट्टा और बाकी चीज़ों में स्वाद आता है। फोन आ रहा है। तो ये बन गई है चिकन करी, तो डेकोरेट कर देते हैं हम इसको। मैंने 2 सीटी भी प्रॉपर नहीं लगाई थी, देखो कितना सॉफ्ट हो गया, एकदम टेंडर। तो गाइस मैंने ये बनाया था स्पेशल अपने हस्बैंड के लिए, बट वो नहीं खा रहे क्योंकि वो खाते ही नहीं है वो वेजिटेरियन है। बट ऐसे नहीं होना चाहिए, वो ये ना कहे कि मैंने बनाया नहीं था, तो मैंने बनाया है। गुन्नू वासा वो कर रही, गुन्नू गुन्नू के पापा दोनों, नो 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 तेरे काम की चीज नहीं है, नो 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 नो। मैंने कहा मैं अपने पति के लिए बना दी, पतिदेव तो खाते ही नहीं है, वेजिटेरियन है, यहाँ पे वाइफ है नॉन वेजिटेरियन। अगले दिन बोलना मत मैंने बनाया नहीं था कुछ स्पेशल। यहाँ पे लाइटिंग अच्छी आ रही है, तो ये ना जो मैंने आपको दिखाया था ना मसाले, सेम वही मसाले हैं, मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डाला, एक जीरे का दाना भी नहीं डाला है मैंने एक्स्ट्रा। सो ट्राई करते हैं, मैंने 2 मिर्चियाँ ली है क्योंकि पता नहीं स्पाइसी हुआ होगा नहीं होगा, मैंने चाखा भी नहीं है, नमक तक नहीं चाखा है अभी क्योंकि मैंने ही खाना था। थोड़ा सा इसमें मैं मिक्स करती हूँ। नमक हल्का सा कम हो रहा है जिसकी वजह से ना काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो इसलिए मैंने नमक हल्का कम नहीं अच्छा लगता है। वाह एकदम परफेक्ट, मुझे रखने की जगह नहीं मिल रही। गुनगुन पापा खेल रहे, तो आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी, एक बार जरूर बना के देखना। पानी अपने क्वांटिटी के हिसाब से लाना, जितने आपको चाहिए तरी ग्रेवी। ये स्पाइसी नहीं बिल्कुल भी, अगर आपको तीखा बनाना है लाल मिर्च डाल देना या हरी मिर्च डाल देना, अगर लाल मिर्च नहीं खाते आप लोग तो। चलो 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 अभी हम वॉक पे आए हैं। झूले वाले पार्क में जाने सोच रही हो, वॉक नहीं कर रहे? ए पापा बिल्कुल आगे करी है बेटी के, आराम से चलो बस जाओ पापा, उसको झूले झूलना है वही जाए जाए नहीं इधर। हाँ छोड़ो बोल मेरा, उसको सोना है, सर कैसे रख दिया इसने, सो मत जाइए भैया।
आजा उतर जाओ, इधर नहीं उतर रही, इधर तुम खड़े हो ना इसलिए, सो उधर जाना है। वो धक्का दे रही है क्या खुद ही सर के? चेंज कर रही हो घोड़ा? अच्छा ये फेवरेट कलर है आपका? पाँव जम गए उसके जैसे थे। स्टैचू लग रही है तो, वो जैसे बाहर फॉरेन में नहीं खड़े होते हो, गोल्ड बॉय, गोल्डन बॉय, सिल्वर बॉय इस टाइप के। अरे तेज मत करा, ये गिरेगी कहीं। धूम मचाला है, धूम मचाला है, धूम 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 मचा, ऐसे तो फोटो खिंच जाएगी। धूम मचाला है, धूम मचाला है, धूम धूम। मेरे को ही मजा जी ना रहा है। चलो दो है वहाँ पे, एक में मैं बैठूंगी। लंबा कर रहे हो क्या? चलो चलो चलो, काई हो रही है काई, मेरी काई। अरे तुम बैठो ना, से गोदी में लो ना, ऐसे नहीं, तुम बैठो गोदी में तो लो, ऐसे गुजर आते हैं औरतें। गुन्नू के पापा इतना डर रहे हैं मेरे को, गुन्नू को गोदी में दे ही नहीं रहे। गुन्नू वहाँ गोल वाले में झूल रही है, मैं इसमें। मेरे को कह रहे गिरेगी ना तो और मारूंगा। तो गाइस हम घर आ गए हैं एंड अभी मीठा खाने का मन कर रहा था, तो नमकीन है, तो मैं सोच रही कौन सा फ्लेवर लूँ, स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट। वैसे मेरा स्ट्रॉबेरी फेवरेट है, बट चॉकलेट खाने का मन कर रहा है। और कभी उसमें पूरे सौ सॉन्ग लगा दूंगा। अच्छा करते दोनों ही ले लेते हैं, इसको वापस रख दो, इसको भी वापस रख दो। चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी। तो गाइस अब हम सोने की तैयारी हो गया, जी आएगी थोड़ा इसको खा के, मैं इसको खा के। तब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। कुछ बोलना चाहता दे नहीं, मैं गुस्से से देख लिया।